अरे यार कहाँ पे जा रही है? अरे यार ये क्वीन पागल है क्या? मतलब इसको कहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ और ये कहाँ पे जाती है? ये ना लड़कियों का ना कुछ भरोसा नहीं है, गेम में भरोसा नहीं और रियल लाइफ में भी भरोसा नहीं। अरे पंतज भैया बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया भैया। अरे छोटू क्या हुआ? किसी ने ना मेरे घर पे अटैक कर दिया क्या बात कर रहे हैं, ये कब हुआ? भैया। अभी ही थोड़ी देर पहले हुआ, और वो ना मेरा पूरा घर लूट के चला गया। मतलब तेरे घर पे किसी ने अटैक किया और अटैक करने के बाद सब चोरी करके भी चला गया? हाँ ना, मैंने कितने मेहनत से सब कमाया था भैया, सब चला गया। क्या मेहनत से कमाया था? अरे ये सब छोड़, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? और जो चोरी किया वो कहाँ पे है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ भैया, लेकिन वो ना मेरे घर पे आके अटैक करके सब लूट करके चला गया भैया मैं ना उसको खोलूंगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तुमने पुलिस में कंप्लेंट की ना? लेकिन इतने पुलिस को बोल के क्या फायदा होगा भैया, वो क्या करेंगे। अबे पुलिस क्या करेगी? मतलब पुलिस ही करेगी ना, या फिर चोर को जाके बताएगा, चोर कुछ करेगा। ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, जब ये सब चीजें हो रही थी, कोई अटैक किया तेरे घर पे, चोरी करके चला गया, तेरे मॉम डैड कहाँ पे थे? वो तो घर पे ही थे, लेकिन क्या फिर उन्होंने कुछ किया नहीं? इतने वो क्या करेंगे। अरे पागल, तुम्हारे घर पे अगर कोई चोरी कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो तुम लोग उसको रोकोगे ना, या फिर बोलोगे कि आ जा भाई, चोरी करके जा, सब तोड़ फोड़ के जा? मतलब क्या कर क्या रहे थे तुम लोग? अरे भैया, लेकिन हम लोग गेम में कैसे किसी को रोक सकते हैं। क्या और मॉम डैड क्या करेंगे, उनको तो थियोथी के बारे में पता ही नहीं है। अबे झिंगूर, मुझे लगा सच्ची में तेरे घर के ऊपर अटैक हो गया, मतलब मैं डर गया था तेरे लिए, और तू मतलब इतना सीरियस होके बता रहा है, ऐसे बता रहा है जैसे कि एक्चुअल में तेरे घर पे अटैक हो गया। तूने ठीक से बताया नहीं मुझे कि सीओसी में अटैक हुआ, पहले बताना था ना सीओसी में अटैक हुआ। भैया बेस पे अटैक हो या घर पे, एक थियोथी प्लेयर के लिए एक ही बात है ना। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है! घर पे अटैक हो या बेस पे, एक सीओसी प्लेयर के लिए ना एक ही बात होती है। लेकिन छोटू यार सीरियसली, मैं बहुत डर गया था, तूने मुझे बताना चाहिए था ना कि बेस के ऊपर सीओसी में अटैक हुआ। इतने कम वक्त में इतना इन्वॉल्व हो गया तो इस गेम में? मैंने इतने थाले बेचिस को ढूंढ के एलिक दल और गोल दमा किया था, लेकिन कोई आया और सब अटैक करके लेके तला गया। मेरी पूरी मेहनत तली गई भैया। ओ तो ऐसा हुआ। आई नो, ऐसा जब भी होता है सीओसी में बहुत बुरा लगता है। जिसने भी मेरे बेस के ऊपर अटैक किया है ना, मैं उसको थोलूंगा नहीं भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, छोड़ना मत, जाके उसके बेस के ऊपर रिवेंज ले लेना और उसके बेस को तोड़ देना। क्या थियो थी मैं जिसने मुझ पे अटैक किया, मैं उसको दाके रिवेंज भी ले सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तू रिवेंज ले सकता है। और एक चीज हो गई होगी कि इसमें शील्ड भी होता है, लेकिन मैं भी तेरे बेस का ना शील्ड खत्म हो गया होगा और उस वक्त ना उसने अटैक किया होगा। तो भैया अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तेरे बेस के ऊपर जिसने अटैक किया उसका नाम तो बता जरा। अच्छा एक मिनट, अभी दाके देखता हूँ। जिसने मेरे बेस के ऊपर अटैक किया था उसका नाम है थोनू 61। अच्छा सोनू 61, तो बस अब हम सोनू 61 को छोड़ेंगे नहीं, हम अपना रिवेंज ना लेके रहेंगे। बस अभी छोटू तैयार हो जा, कुछ अच्छी ट्रूप्स ट्रेन कर ले, स्पेल्स ले ले, और मैं तुझे कुछ सीसी में ट्रूप्स दूंगा, वो लेके जाना अटैक के लिए। हाँ भैया आप भी मुझे हेल्प करो, हम ना उसको थोलेंगे नहीं। बिल्कुल, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे भी तो पता चले कि छोटू के बेस के ऊपर अटैक करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ भैया इट्स टाइम फॉर अटैक, गलत प्लेयर से पंगा ले लिया है थोनू 61 ने। उसको क्या लगा कि मैं ऐथा वैथा थियोथी प्लेयर हूँ। थोनू 61 लेडी रहना, मैं आ रहा हूँ तेले बेस को थ्री स्टार करके तोड़ने। बेस्ट ऑफ लक थियोथी फैन फॉरएवर। तो गाइस मैंने तो अटैक करके ना मेला लिवेंस ले लिया,
और पंतज भाई ने ना मुझे बहुत हेल्प की, तो वैसे ही आप लोग भी हमें बहुत हेल्प की दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ना शेयर कर दीजिए। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना मम्मी चिल्लाएगी कि कितना देर में भाग गया हूँ। मिलते हैं, बाय।